Hello students, good morning, how are you all? So now I am here to start our class of English speaking and it is day one. पहले दिन की हम अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज पहला दिन है और पहले दिन से हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास लेट से. लेट लेट का शाब्दिक अर्थ होता है आज्ञा देना, लेकिन इसे हम इंग्लिश में तीन तरह से यूज कर सकते हैं. डिजायर यानी इच्छा, रिक्वेस्ट और कमांड यानी विनती या निर्देश, और परमिशन यानी आज्ञा. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास डिजायर से. डिजायर का शाब्दिक अर्थ, जैसा कि मैंने आपको बताया, इच्छा. इसकी जो आइडेंटिटी होती है, इसकी जो पहचान होती है, वो होती है आओ या चलो. यानी ये सेंटेंस, कोई भी ऐसा सेंटेंस आपने मन में सोचे जिसे हम आओ या चलो से प्रारंभ कर सकते हैं या आओ या चलो से बोल सकते हैं. चलो उसे पढ़ाते हैं, आओ आइसक्रीम खाते हैं, चलो दौड़ें, चलो भैया से बात करें, चलो टीवी देखते हैं, चलो मूवी चलते हैं. तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जहां पर हम आओ या चलो से जिसे स्टार्ट करते हैं, वो हम डिजायर के अंतर्गत ट्रांसलेट कर सकते हैं. ये बड़ा आसान सा ट्रांसलेशन इसका देखते हैं. चलो बाजार चलें, एक सेंटेंस है, चलो बाजार चलें. यहां पर देखिए चलो आया है, चलो क्या करना है, बाजार चलना है. तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है, लेट प्लस अस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. तो ऐसा काम जो इच्छा तो मेरी है करने की कि चलो बाजार चलें, लेकिन मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग उस जगह पर उपस्थित हैं सब मेरे साथ बाजार चलें. अगर मैंने कहा चलो फुटबॉल खेलें, मैं क्लास में बैठा हूं, मेरा मन है फुटबॉल खेलने का, मैंने सबसे कहा चलो फुटबॉल खेलें, इसका मतलब मेरी इच्छा का पूरी होगी जब सभी मेरे साथ चल के मेरे साथ फुटबॉल खेलें. अगर मैंने कहा चलो आइसक्रीम खाते हैं, तो मतलब अगर हम चार दो तीन लोग हैं तो हम कह सकते हैं कि चलो सब मिलकर के आइसक्रीम खाते हैं. देन दिस इज द डिजायर, और मैं चाहता हूं कि सब मेरे साथ चलें. तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लेट अस सबके लिए, लेट अस, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. तो आपको क्या करना है, लेट लिखना है, अस लिखना है, फिर यहां पर आप देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा. हम यहां आते हैं और देखते हैं कि वर्ब का क्या मतलब होता है. जिन्हें बेसिक से नहीं पता है, मैं थोड़ा सा उनको बताना चाहूंगा कि वर्ब का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया. क्रिया मतलब हम जो भी करते हैं, उठना, बैठना, सोना, खेलना, दौड़ना, ये सारी चीजें पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब के अंतर्गत आती है. अब क्रिया को रूपों के आधार पर यानी फॉर्म्स के आधार पर दो तरह से बांटा गया है, एक रेगुलर वर्ब्स और एक इरेगुलर वर्ब्स. हम देख लें, रेगुलर वर्ब में मैंने एक एग्जांपल लिखा है, यॉन, यॉन वाई ए डब्ल्यू एन, यॉन का मतलब होता है जम्भा. ये एक रेगुलर वर्ब है. इसकी हम सेकंड फॉर्म देखते हैं, ये प्रेजेंट फॉर्म है. सेकंड फॉर्म देखते हैं पास्ट, यॉन ईडी लग गया है. थर्ड फॉर्म देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ईडी इसमें भी लगा हुआ है, यॉन, यॉनिंग, आईएनजी जीरंड है. फोर्थ फॉर्म, तो जिन वर्ब्स के सेकेंड और थर्ड फॉर्म में डी या ईडी लगता है उन्हें हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं. मोस्ट ऑफ द वर्ब्स आर रेगुलर वर्ब्स. जैसे आप देख सकते हैं वो कैप्स, ब्रूम रेगुलर वर्ब है, मतलब सेकेंड और थर्ड फॉर्म में. ब्रूम का मतलब क्या होता है, झाड़ू लगाना, ब्रूम्ड, ब्रूम्ड, ब्रूमिंग. अब इरेगुलर वर्ब्स कौन सी वर्ब्स होती है, इरेगुलर वर्ब्स तीन तरह की होती है. पहली वर्ब जिसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, जैसे पुट का मतलब रखना, पुट पुट पुटिंग, कट 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 कटिंग, तीन फॉर्म सेम है, रेयर वर्ब्स होती. इसी के साथ दूसरी जो फॉर्म है वर्ब की इरेगुलर में, कीप, कीप का मतलब ही रखना, कीप, केप्ट, केप्ट, कीपिंग, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग, वीप, वेप्ट, वेप्ट, वीपिंग. ऐसी जो वर्ब्स होती है वो भी इरेगुलर वर्ब्स में आती है, बस इसमें दो फॉर्म सेम होती. ये देखिए सेकेंड और थर्ड फॉर्म में डी आई डी नहीं लगा हुआ. इसी के साथ जो तीसरी फॉर्म होती है वो है कि जिसमें तीनों फॉर्म्स अलग अलग इरेगुलर वर्ब्स में होती है, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग. Go, went, gone, going. तीन फॉर्म्स हैं. इसी तरह से राइट, रोड, रिटन, राइटिंग, बीट, बेट, बीटन, बीटिंग. तो ऐसी वर्ब्स जिनकी तीनों फॉर्म्स अलग होती हैं, तो ये तीन तरह के फॉर्म्स होते हैं. हमारा ग्रामर में केवल इतना कहना है कि जब भी हम कोई भी वर्ब लर्न करेंगे, जब भी हम कोई चीज पढ़ेंगे, तो किसी भी ग्रामर में वर्ब की फॉर्म बहुत मायने रखती है, जो हमें उसके टेंस का निर्धारण कराती है कि किस काल में सेंटेंस बोला जा रहा है. तो यहां पर हम कौन सी फॉर्म ले रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. होप करता हूं वर्ब आपको समझ में आई होगी. तो सेंटेंस क्या है, चलो बाजार चलें, लेट अस. वर्ब क्या है, गो, चलने की इंग्लिश, गो कहां जाना है, टू मार्केट. बहुत आसान सा सेंटेंस है, चलो बाजार चलें, कोई भी सेंटेंस आप पुट कर सकते हैं, लेट अस गो टू मार्केट. चलो फुटबॉल खेलें, लेट अस प्ले फुटबॉल. चलो दौड़े, लेट अस रन. चलो गाना गाते हैं, लेट अस सिंग अ सॉन्ग. चलो खाना बनाते हैं, लेट अस कुक फूड. चलो उससे बात करें, लेट अस टॉक. अब अगर इसी में हम इसका निगेटिव सेंटेंस लिखना चाहें, जैसे आज
डेली हम क्रिकेट खेलते हैं, आज क्रिकेट खेलने का मन नहीं है, तो इसमें लिखा है चलो आज क्रिकेट ना खेल। तो बहुत सिंपल सा चेंज करना है, माइन्यूट सा, लेट प्लस अस निगेटिव है, यहां पे नॉट लिख देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसी ही और ऑब्जेक्ट, तो लेट अस नॉट प्ले क्रिकेट टूडे। होप यू हैव अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत आसान सा सेंटेंस है, डिजायर चलो उसे पढ़ाते हैं, लेट अस टीच हिम। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स के लिए जाते हैं। पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, चलो उसे समझाते हैं। तो क्या लिखा हुआ सेंटेंस, इसका ट्रांसलेशन है लेट अस कन्विंसिंग। ऐसे ही आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं, बनाने हैं। दूसरा हमने निगेटिव लिया हुआ है, चलो आज वहां ना चले, लेट अस नॉट गो देयर टूडे। तो सिंपल सा है, आपको ऐसे सेंटेंसेस मेक करने हैं, बनाने हैं। आप सिंपली आप इसको लिख लें, कई सेंटेंस जैसे मीनिंग्स आज मैंने आपको दे रखी है, वो गैप्स में आप देखें, ब्रूम, ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू लगाना, रेगुलर होने का चलो झाड़ू लगाते हैं, लेट अस ब्रूम। मॉप मतलब पोछा लगाना, मॉप्ड मॉप्ड, एम ओ डबल पी डी हो जाएगा सेकंड थर्ड फॉर्म में, रेगुलर है पोछा लगाना। नीड आटा गूंथना, सीजन छोंकना, सीजन द पल्स लगा सकते हैं, ये भी रेगुलर वर्ब है। और चॉप मतलब काटना। तो ये थी हमारी डिजायर की ग्रामर, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं वर्बली। डिजायर का मतलब होता है इच्छा या चाहत। ऐसे कोई भी सेंटेंस जो आओ या चलो से स्टार्ट होते हैं, चलो से पढ़ाते हैं, चलो दौड़ते हैं, चलो फुटबॉल खेलते हैं, चलो खाना खाते हैं, चलो गाना गाते हैं, उसे हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर से लेट प्लस अस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो लेट अस प्ले फुटबॉल, लेट अस रन, लेट अस टॉक टू हिम, लेट स्लीप। और इसी के साथ हमने आपको वर्ब बताया, वर्ब की कितनी फॉर्म्स बताई, चार फॉर्म्स बताई। फिर से रिवाइज करेंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, सेकेंड पास्ट, देन पास्ट पार्टिसिपल, देन आईएनजी और जीवन। वर्ब को फॉर्म्स के बेसिस पर दो रूपों में बांटा गया है, टू फॉर्म्स होते हैं, पहला रेगुलर जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म में डी या ईडी लगता है, दूसरा जिसकी तीन तरह की इरेगुलर वर्ब्स होती हैं, रेगुलर फॉर्म में सेकेंड और थर्ड फॉर्म में डी आई डी लगता है, दूसरा इरेगुलर पहली फॉर्म इरेगुलर में जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती है, जैसे पुट 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 पुटिंग, दूसरी फॉर्म जिनकी दो फॉर्म सेम होती है कीप कैप कैप्ट कीपिंग, और तीसरी फॉर्म होती है जिसकी तीनों फॉर्म्स अलग होती है, जैसे गो वेंट गॉन गोइंग। होप यू हैव अंडरस्टूड, लर्न दीज मीनिंग्स। इसी के साथ हम आपको मीनिंग्स और मॉडल ऑक्सिलरी से मॉडल सेंटेंसेस से भी अपडेट करते रहेंगे। इट वॉज डे वन, होप यू हैव अंडरस्टूड। फॉर क्वेरीज यू कैन कॉल और यू कैन लीव योर मैसेज। थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। गुड लक।